साल के बाद 1991 जब मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे और उस वक्त एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि फिर दोबारा आप कब आइएगा। उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब। और उस 29 साल के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले अयोध्या के राजा हनुमान जी को कहा जाता है हनुमानगढ़ी। जो भी अयोध्या आता है सबसे पहले दस्तक देता है हनुमानगढ़ी। ये हनुमानगढ़ी की वो सीढ़ियाँ हैं। आप लोग भी कई बार गए होंगे हनुमानगढ़ी। इसी सीढ़ियों के जरिए आप चढ़ करके सीधे हनुमान के दरबार में पहुँचते हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीढ़ियों से चढ़ते हुए। और ये देखिए पीछे जो सुरक्षा में जो उनके SPG गार्ड्स हैं, चूँकि कोरोना काल है इसलिए बिल्कुल सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए भूमि पूजन उसके लिए इंतजार हो रहा है। और ये हनुमानगढ़ी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करने के बाद यहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन स्थल की ओर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर हनुमान जी की पूजा, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद यहां से वो रवाना होंगे भूमि पूजन स्थल की ओर। क्योंकि देखिए सारी चीजें बिल्कुल समय के मुताबिक चल रही हैं। समय का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शुभ मुहूर्त जो है वो 12:44:08 का, और वो जो ईंट रखनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चांदी की ईंट, वो 32 सेकंड में उस विधि विधान को पूरा कर लेना है या संपन्न कर लेना है मैं कह सकता हूं। इसलिए बिल्कुल समय का खास ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी की तस्वीर। अभी आपको ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और उसके बाद उनका काफिला वहां से निकला। साकेत कॉलेज जहां पर हेलीपैड बनाया गया था वहां से उनका काफिला निकला और सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचा। जो तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ। और लोग जो है, हमने तस्वीर वो भी आपको दिखाई कि घर की छतों से चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, वो इस तस्वीर को देखना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए आज अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या नगरी के लिए बड़ा दिन। और ये देखिए माथा टेकते हुए हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर जय जय कौशल्या लाल की, जय अयोध्या लाल की, जय कौशल्या लाल की। आज यही आनंद भयो, आज अवध में यही आनंद भयो, क्योंकि राम लला आपसे कुछ देर में अपने भव्य भूमि पूजन को देख पाएंगे, खुद भागीदार हो पाएंगे, राम दरबार भागीदार हो पाएगा। और तस्वीरें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हनुमानगढ़ी में आरती कर रहे हैं प्रभु श्री हनुमान की, जो हनुमानगढ़ी के राजा हैं। और राजा हनुमान की अनुमति के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की जन्मभूमि स्थल पहुंचेंगे और योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आ रहे हैं। दोनों ने मास्क पहना है और मास्क पहनने से ये संदेश भी जा रहा है कि देखिए हम जागरूक हैं, हमें जागरूक रहना पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी उत्सव को छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जहान को भी बचाना है और जान को भी बचाना है। इसीलिए इस तरह का कार्य भी चलेगा, जीवन भी चलेगा, और जीवन के साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, जिसका खुद संदेश दे रहे हैं। और अभी परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ ही। इस खास कार्यक्रम की तस्वीर, हर एक पल, हर एक छवि आप तक मैं पहुंचा रही हूं अयोध्या से लगातार इस महा कवरेज में। जी हिंदुस्तान आपको पल पल की तस्वीर पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में 7 मिनट का वक्त रखा गया और तय वक्त के अनुसार चलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मुहूर्त केवल 32 सेकंड का है। अभिजीत मुहूर्त जिसमें चांदी की ईंट रखकर भूमि पूजन का मुहूर्त किया जाएगा, भूमि पूजन होगा और इतना भव्य होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये कितना भव्य तस्वीर है आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री तय वक्त पर पहुंच गए हैं और हर वक्त
जब भी उनके आने का कार्यक्रम बना तो ये पूछा गया कि अभी तक प्रधानमंत्री सिर्फ राम मंदिर की तारीख की बात करते हैं लेकिन अयोध्या नहीं आए। लेकिन सोचिए वो व्यक्ति कितना संकल्पित है, वो शख्स कितना संकल्पित है जो आपके देश का प्रधानमंत्री है। और उसने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, रामलला के मंदिर का जब शिलान्यास होगा, जब मंदिर में विराजमान होंगे राम, तब मैं यहाँ पहुँचूंगा। और संकल्प को आज वो पूरा कर रहे हैं। कई बार आपकी जबान पे सरस्वती सवार होती है, शायद एक निश्चल भाव से यही प्रधानमंत्री ने सोचा होगा और उसी सरस्वती के सवार होने की वजह से आज वो इस वक्त के साक्षी हैं और सबसे आगे प्रणेता बन रहे हैं, अग्रणी हैं। और इस वक्त लगातार इस वक्त तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाग पहनाई जा रही है, पाग और साफे, जिसमें भारतीय परंपरा को सबसे ऊपर रखकर समृद्धि का एक परिचायक जिसे माना जाता है। जब जब आप किसी को पगड़ी पहनाते हैं उसे मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और जहां राजा हनुमान बैठे हैं वहां कोई अमंगल हो ही नहीं सकता, वहां सब मंगल मंगल है। और यही मंगल कार्य शुरू हो चुका है, यही मंगल कार्य का अनुष्ठान शुरू हो चुका है समझ लीजिए, क्योंकि हनुमान निशान की पूजा पहले की गई, उसके बाद रामार्चन हुआ और उसके बाद आज गणेश गौरी की पूजा के साथ साथ राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, अलग अलग स्टूडियोज हमारे बने हुए हैं जहां से अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। शालिनी अयोध्या धाम स्टूडियो से बनी हुई, कीर्ति महाराज हमारे साथ बने हुए हैं, रामलला स्टूडियो से प्रिया लगातार बनी हुई, प्रिया आपके पास भी मैं आना चाहूंगी, प्रत्युष नोएडा स्टूडियो से लगातार खबरों के साथ अपडेट दे रहे हैं, शालिनी आपके पास भी आऊंगी, अयोध्या दरबार की तस्वीरें आप दिखा रही है, ओवर टू यू। ये तस्वीरें और आप इस इन तस्वीरों को देखिए कि एक तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, भव्य तैयारियां हैं, लेकिन इसमें कोरोना संकट काल को देखते हुए दूरी का पालन भी किया जा रहा है। ये तस्वीर है अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती की हनुमान जी की, उसके बाद ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हनुमान गढ़ी से निकल रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब इनको सीधे यहां से जाना है राम जन्मभूमि स्थल, जहां पर पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो वहां पर आएंगे पहले वो रामलला के दर्शन करेंगे, क्योंकि अयोध्या में ये रिवाज है, ये परंपरा है कि जो भी अयोध्या आता है वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी के दर्शन करता है, फिर रामलला के दर्शन करता है, क्योंकि अयोध्या का राजा माना जाता है हनुमान जी को। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की, उनकी आरती की, उनको पाग पहनाया गया, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी से निकल चुके हैं, अब वो सीधे भूमि स्थल जाएंगे, वहां रामलला के दर्शन उनको करना है 12:15 पर, यानी कि 12:15 पारिजात पौधारोपण भी होगा, और उसके बाद फिर भूमि पूजन की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 12:30 के बाद 14 का समय हो, यानी कि 12:44 वो शुभ मुहूर्त होगा जब नींव रखी जाएगी मंदिर की, यानी कि चांदी की ईंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे उस भूमि पूजन में। तमाम मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें भी जी हिंदुस्तान लगातार आपको दिखा रहा है, चाहे वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो या उमा भारती हो, साध्वी रितंभरा हो, सभी मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं, योग गुरु रामदेव, क्योंकि एक तो सुरक्षा की व्यवस्था और कोरोना की वजह से दूरी को मेंटेन करने के लिए सभी मेहमानों से कह दिया गया था कि आप 2 पहले, यानी कि लगभग 10:30 तक आप भूमि पूजन स्थल तक पहुंच जाए। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब हनुमानगढ़ी से निकल चुका है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। हमारे साथ रमन भी अयोध्या से बने हुए हैं, रमन इस वक्त क्या अपडेट? प्रत्युष बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी में हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, उसके बाद वो राम जन्मभूमि की तरफ जाएंगे। ठीक सामने आप देख सकते हैं मेरे, अभी इंतजार है उनके काफिले का यहाँ से निकलने का, जो पहली एस्कॉर्ट गाड़ी है वो यहाँ से निकल चुकी है, और इस वक्त आप देख सकते हैं अयोध्या जहाँ तक आपकी नज़र आएगी राम ध्वजों से ढकी हुई नज़र आएगी आपको अयोध्या, और जो छतें हैं अयोध्या की जहाँ से नज़र आती है तो लोगों को
वहाँ प्रधानमंत्री के, आप ठीक आप देख सकते हैं सामने काफिला निकलना शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। अब अगला जो उनका पड़ाव है वो राम जन्मभूमि है, तो इस वक्त हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं आगे, उनका काफिला यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। और लगातार अयोध्या के लोगों में खुशी है, उत्साह है, बैरिकेड के पीछे भी बीच बीच में जैसे ही काफिला आगे बढ़ता है जय श्री राम के नारों की आवाज सुनाई देती है, घर की छतों में लोग राम, हर उम्र के लोग हैं, यानी भूमि और राम मंदिर की अब ठीक आप देख सकते हैं सामने राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ चुका है, जाएंगे राम जन्मभूमि के रमन और माधुरी दोनों हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए। माधुरी जी, हाँ अभी तो हम टीवी पे हैं जी, हिंदुस्तान का चल रहा है जी जी। माधुरी देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप चुके अयोध्या में वहां पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप वर्णन कर रही हैं कि वहां पर क्या इस वक्त अद्भुत छटा, और साथ ही साथ ये बताइए कि प्रधानमंत्री बस अब जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, क्या इस वक्त माहौल है वहां पर, क्योंकि रमन बता रहे हैं कि वो देख रहे हैं घर की छतों से भी लोग देख रहे हैं निहार रहे हैं। बिल्कुल देखिए माहौल आप ठीक कह रहे हैं और इस एक बात रमन ने कही थी कि एक वो व्यक्ति जो इस वक्त बूढ़ा हो चुका है वो भी इस पल का साक्षी होके अपने बचपन को याद कर रहा होगा, और एक जो बचपन से जो बच्चा हो देख रहा होगा वो अपनी इस कहानी को अपनी आंखों में समेट कर जीवन भर याद रखेगा। सोचिए ना क्या पल है, 100 साल से जिस राम के जिस आराध्य को हम आर्यों का आराध्य हम अपनी आत्मा मानते हैं जिसको राष्ट्रीय चेतना कहा जाता है, उस राम ने अपने अदालतों पर अपने मंदिर के लिए 100 साल तक अदालत की चौखटों पर इंतजार किया है। सोचिए इस देश की क्या स्थिति थी, लेकिन आज ये विजय है, मैं तो कहूंगी ये विजय नाद है जो हम लगातार ये धुन सुन रहे हैं या अखंड कीर्तन सुन रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो सकता। आपका मन अगर संकल्पित हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति इतनी संकल्पित इतनी दृढ़ हो तो आप ये नजारा देख सकते हैं और आप ये नजारा समझ सकते हैं। जो जो व्यक्ति राम के जीवन को समझता है वो जानता है कि कैसे हर रूप में आपको अपने आप को सरल रखना है, कैसे राम ने अपने आप को सरल रखा, चाहे उनके राज्याभिषेक की खबर आई हो तब भी वो सरल थे, ज्यादा खुशियां नहीं मनाई, या जब वनवास भेज दिया गया तब भी वो सरल थे, लेकिन उस शांति उस अहिंसा के साथ उन्होंने शौर्य को भी अपनाया, धर्म के लिए लड़ाई के लिए तलवार और धनुष भी उठाया, और यही हिंदुस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि चाहे जब बात शांति की होगी तो हम शांति के द्योतक हैं, हम कभी भी ऑफेंसिव नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाए तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस शांति और शौर्य में राम के साथ शिव की शक्ति जुड़ती है, राम के साथ कृष्ण की भक्ति भी जुड़ती है, प्रेम भी जुड़ता है जो विरल है, सकल है, सरल है, निर्मल है, जो आपकी आत्मा से जुड़ा है, जो मेरी आत्मा से जुड़ा है, वही राम है। और इस राम के खास मंदिर निर्माण के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो सोचिए ना क्या पल है यहाँ अयोध्या की वेला, एक खास ये जो सूरज है ये तप के ये दिखा रहा है कि हम भी स्वागत कर रहे हैं, यहाँ के ग्रह नक्षत्र भी स्वागत कर रहे हैं, और उस अभिजीत मुहूर्त का इंतजार जो 32 सेकंड का है जिसमें रामलला भय वहां कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, मेरे पास जो अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी से निकल चुके हैं, लगातार जो रमन हमें तस्वीरें दिखा पा रहे हैं अयोध्या नगरी प्रत्युष, अगर मैं यहाँ 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन की बात कर लूं तो पिछले 1 महीने से यही यहाँ पर हो रहा है। पूरी अयोध्या नगरी पीताम्बर रंग में रंगी हुई है, पीला जिस रंग को शुभ माना जाता है, हरा जिस रंग को कामयाबी का माना जाता है, और इस वक्त तस्वीरें गाड़ी से उतरने की आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, राम जन्मभूमि परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जी मीडिया हमेशा आपको इस तरह की तस्वीरें सबसे पहले दिखाता है और जी हिंदुस्तान इसमें अग्रणी है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये तस्वीरें आपके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। ये भी सोच लीजिए कि राजनीति के इतिहास में भी ये कितना महत्वपूर्ण है, जब 5 प्रधानमंत्री इनके पहले आ चुके हैं लेकिन राम जन्मभूमि जाने का सौभाग्य न किसी को मिला, न किसी ने वो साहस जुटाया। इस वक्त पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के तौर पर पहली
बार राम जन्मभूमि परिसर पहुंच रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अगर आलोक जी मेरे साथ जुड़े होंगे तो इस तथ्य को समझते हैं और इस तथ्य को समझा सकते हैं। देखिए, कोई भी राजनीति, कोई भी व्यक्ति कभी राष्ट्र की भावना से ऊपर नहीं हो सकता। और अगर राष्ट्र की भावना की बात करें तो इस वक्त ये शंख ध्वनि जो आप सुन रहे हैं, ये उसी राष्ट्र ध्वनि और उसी राष्ट्र भावना का द्योतक है, जो राष्ट्र ध्वनि इस शंख नाद के साथ सुनाई दे रही है। ये शंख नाद ऐसा नहीं, ये शंख नाद तो सृजन अंश का है जो सृष्टि दिखा रही है। इस वक्त पे जब राम जन्मभूमि का मुहूर्त होगा तो प्रभु राम के भूमि पूजन के मुहूर्त में राम लला के दर्शन कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम देवता, तमाम जो देवता है, देवी देवता है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत होकर अपने प्रभु श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। इससे ज्यादा भावनाओं से जुड़ा पल क्या हो सकता है। मेरी आंखें नम हो रही है प्रत्युष, क्योंकि अस्थाई मंदिर के जब दर्शन करने पहुंची तो शायद यही भावना मेरे मन में थी। और आज का ये पल वाकई अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहुंचे हैं, उस वक्त का सपना हम सब ने अपनी आंखों से देखा। अयोध्या को किसने कवरेज नहीं किया, एक मीडिया कर्मी के तौर पर हर व्यक्ति यहां पहुंचा और उसने इस सपने को देखा जो साकार हो रहा है। प्रतिश, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन ये सच वाकई में, वाकई में ये जो पल है, ये जो पल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम देख पा रहे हैं, अस्थाई रामलला के मंदिर की उसमें पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री दिखे। और इस वक्त ये भी बता दे, दंडवत होकर अपने प्रभु श्री राम आराध्य को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है। वो शिव की शक्ति भी साथ रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के आदर्श को भी साथ रखते हैं, राम के राष्ट्रवाद को भी साथ रखते हैं। और इस वक्त आरती की तस्वीरें पूरा देश देख ले, उस आरती की तस्वीरें जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। शंख ध्वनि, शंख नाद, विजय नाद के साथ इस आरती की शुरुआत जिसका आप और मैं भी सबरी से इंतजार कर रहे हैं, आप और मैं भी सबरी से इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का, इस पल का, और उम्मीद लगा कर बैठे थे कि जब ये पल होगा तो पूरा देवता गण, पूरा ये कहें कि पूरा परिसर अद्भुत वेला, अद्भुत छटा से होगा। अयोध्या अपने आप अलग रंग में होगी। इस वक्त सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र जो सभी राशियों के परिचायक हैं, भगवान सूर्य इस वक्त यहाँ पर तप रहे हैं एकदम। ये देखिए कि 12:15 बजे का वक्त, 12 बजे सूरज आपके सर पे होता है, वो भी अपने अनंत रूप में होते हैं। और सूर्य देव इस पल के साक्षी हो रहे हैं, चंद्रदेव